व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मेरा पहला दिन है बिलासपुर में, तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अभी मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा हूँ बिलासपुर का, जो कि है कोनी में। तो चलते हैं सीधा कॉलेज। तो पहले पेट्रोल वेट्रोल डला लेते हैं, उसके बाद में कॉलेज जाएंगे सीधे। ओ भाई, 97.19 रुपीज लीटर। तो अभी हम लोग 350 का तेल डलाते हैं, इतना में हो जाएगा शायद जाने आने के लिए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग कॉलेज के कैंपस के अंदर पहुंच चुके हैं। तो फिर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ बस पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। तो देखते हैं अभी कॉलेज का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, वो सब देखेंगे। उसके बाद में एडमिशन वगैरह का क्राइटेरिया, जो प्रोसेस वैसेस रहता है, वो सब पूछेंगे। उसके बाद में फिर निकलेंगे। मैं देता हूँ आप लोग को रिव्यू और कॉलेज भी दिखाता हूँ कैसा है कॉलेज। हमारे परदादा यहीं से पढ़ के इंजीनियर बने थे। हाँ, ईटा जोड़ते थे। अरे कैंपस यहाँ नहीं पूछेंगे। देख, गवर्नमेंट कॉलेज डिपार्टमेंट में फर्क नहीं मारेगा। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। लाइब्रेरी वाइब्रेरी है क्या? टू व्हीलर पार्किंग, ये क्या है भाई? किसी को पता है तो बताओ। वो गाइस देख सकते हो आप लोग, बकरी लोग को, और पता नहीं इधर ये सामने क्या चीज का बाउंड्री लगा हुआ है, पूछा था पता नहीं है। इधर पता नहीं क्या क्या देख सकते हो, अंग्रेजों के जमाने का बिल्डिंग्स है यहाँ पे। ये टूटा हुआ, रुको दिखा रहा हूँ, दिखा। वो देखो, देख सकते हो जैसे कि अंदर में पेड़ वेड़ उग गया, इधर सब धस गया है। तो हम अंग्रेज राज करते थे तब का बना हुआ लग रहा है ये, और उस टाइम था कुछ, क्या पता। ये है अपना CSE IT डिपार्टमेंट का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। ये है पॉलीथीन फ्री कैंपस। ये अपना पार्किंग वार्किंग, हाँ ये कैंपस सही लग रहा है, कुछ तो है थोड़ा मोड़ा। ये देखो, किसी को अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में कुछ कुछ करना है तो ये आता है, ठीक है। अरे डॉगी डॉगी, यहाँ पे भी डॉगी। ओए अरे डॉगी, ये देखो, स्टीव जॉब्स, एवरीवन शुड नो हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर बिकॉज इट टीचेस अस हाउ टू थिंक। ओ भाई, तो गाइस अभी हम लोग दूसरे बिल्डिंग पे आ गए हैं। तो फिर मेरे हिसाब से तो ये मेन बिल्डिंग होना चाहिए। तो फिर अंदर से देखने पे तो ये काफी सही लग रहा है, कोई उतना खास डैमेज या तो खराब वो तो नहीं लग रहा है, मतलब जो सब चीजें सिस्टमेटिक वे में ही लग रहा है। देखते हैं आगे और कुछ। और वो रहा अपना सिविल इंजीनियरिंग विभाग डिपार्टमेंट। अच्छा, ये और ये रहा अपना वॉलीबॉल कोर्ट, कुछ दिख रहा है वॉलीबॉल कहाँ खेलेंगे। अरे कहाँ लिखा था वॉलीबॉल कोर्ट। अच्छा, हो रहा है वॉलीबॉल कोर्ट, और देख सकते हैं कंडीशन। अरे गवर्नमेंट मेरा चैनल को बैन ना कर दे, ऐसे दिखा रहा हूँ, बुराई करूँगा तो पूरा बैन कर। अच्छा ये होगा क्या इधर, ये है लग रहा है। नहीं, ये नीचे का वो दिखने के आ रहा था। ये सब बिल्डिंग सब उसी का होगा। अच्छा, GEC एन इंस्टीट्यूट विद NBA एक्सटेंशन प्रोग्राम सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओ भाई,
मटेरियल टेस्टिंग लैब, अच्छा समझ गया, यहाँ पे कंक्रीट वंक्रीट का उद्योग होगा। एक है सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर में भी काम करते हैं वो भाई। अच्छा गेट, गेट का एग्ज़ाम देख लो भाई लोग, देना गेट का एग्ज़ाम। जियो टेक्निकल और उसको उन लोग को इसमें पढ़ना पड़ता है बताओ। खैर उन लोग को पता रहता है ना कि मतलब गवर्नमेंट वाले लोग इतना हार्ड वर्किंग है कि उन लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं, और प्राइवेट वाले मतलब कम वाले लोग को भेजेंगे यहाँ पे तो उन लोग भाग भी सकते हैं, इसीलिए रिस्क नहीं लेने का। इसको चलते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा, क्या बोलता है। तो गाइस कॉलेज वगैरह सब देख लिए हैं, अभी हम लोग रूम चलते हैं सीधे। तो गाइस कॉलेज के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो फिर मैं बोलूंगा कि कॉलेज ऑल्दो बढ़िया ही है, लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट में इसके उतने खास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग विल्डिंग थोड़ी सी धसी हुई है, कहीं डैमेज है, कहीं मतलब काई वाई जमी हुई है, ऐसा सीन है। अब पता नहीं वहाँ क्लासेस लगती हैं नहीं लगती हैं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा है और कहीं कहीं नहीं मतलब एक ही जगह पे ऐसा, पूरे कॉलेज में नहीं है हर जगह ऐसे करके, तो ऐसा ही है। बाकी सब सही है, अगर आप चाहोगे तो ले सकते हो यहाँ पे एडमिशन। तो फिर एडमिशन का सीन ये है कि जैसे अभी मैं तो CBSE बोर्ड वाला हूँ, हम लोग का एग्जाम तो कैंसिल हो गया लेकिन CG बोर्ड वगैरह लोग का सब एग्जाम हुआ, तो अब उनका रिजल्ट आएगा तो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उनके परसेंटेज हाई रहे। तो कॉलेज वाले लोग का कहना ये है कि जैसे PET वगैरह एग्जाम होंगे, कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अब उनके बेसिस पे ही लेना पड़ेगा ऐसा करके बोल रहे थे, क्योंकि मेरिट बेसिस पे तो अभी ले नहीं सकते क्योंकि सबके परसेंटेज हाई हैं, तो आप PET वगैरह का एग्जाम निकाल लो उसके बाद में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो गाइज यहीं तक का था आज का हमारा ये वीडियो। इफ यू गाइज लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अभी तो और भी कॉलेज दिखाने आपको।